भाजपा स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के कामकाज में राष्ट्रहित सर्वोपरि। भाजपा स्थापना दिवस पर प्रदेश में भी अलग अलग शहरों में कार्यक्रम आयोजित, केंद्रीय मंत्रियों ने सरकार की नीतियों का किया उल्लेख। खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा है कि देश में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में आ रही चुनौतियों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार उठा रही है जरूरी कदम। और शक्ति की आराधना का पर्व चैत्र नवरात्र के मौके पर राज्य के सभी शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में उमड़ पड़ा है आस्था का सैलाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार, मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार के कामकाज में राष्ट्रहित सर्वोपरि है। भारतीय जनता पार्टी के 42वें स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश के पास नीतियां, संकल्प और निर्णय लेने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि आज सरकार केवल लक्ष्य निर्धारित ही नहीं करती बल्कि उसे हासिल भी करती है। उन्होंने कहा कि देश ने हाल ही में अब तक का सबसे अधिक $400 अरब का माल निर्यात किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि चार राज्यों में हाल ही में हुए चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार सत्ता में लौटी है। उन्होंने कहा कि 3 दशकों के बाद पार्टी ने राज्यसभा में 100 सदस्यों का आंकड़ा पार कर लिया है। स्थापना दिवस 3 वजहों से बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। पहला कारण है कि इस समय हम देश की आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये प्रेरणा का बहुत बड़ा अवसर है। दूसरा कारण है तेजी से बदलती हुई वैश्विक परिस्थितियां, बदलता हुआ ग्लोबल ऑर्डर, इसमें भारत के लिए लगातार नई संभावनाएं बन रही है। तीसरा कारण भी उतना ही अहम है। कुछ सप्ताह पहले 4 राज्यों में भाजपा की डबल इंजन की सरकारें वापस लौटी है। 3 दशकों के बाद राज्यसभा में किसी पार्टी के सदस्यों की संख्या 100 तक पहुंची है। यानी वैश्विक दृष्टिकोण से देखें या राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखें, भाजपा का दायित्व, भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व लगातार बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज पार्टी के 42वें स्थापना दिवस के अवसर पर दिल्ली में पार्टी का ध्वज फहराया। श्री नड्डा ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने पार्टी मुख्यालय में रक्तदान शिविर का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की उन्नति और लोगों के कल्याण के भाव से निरंतर आगे बढ़ रही है। ट्वीट संदेश में श्री शाह ने कहा कि पार्टी ने 7 दशकों से वंचित देश के गरीबों, किसानों, वंचितों और महिलाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए काम किया है। इधर छत्तीसगढ़ में भी अलग अलग जगहों पर भाजपा स्थापना दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें केंद्रीय मंत्रियों के साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। रायपुर स्थित पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के बूथ, मंडल, तहसील, जिला, प्रदेश और केंद्र स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास को साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है और निरंतर आगे बढ़ रही है। आज हम मना रहे हैं विभिन्न तरह के कार्यक्रम, रैलियां,
अनेक संगोष्ठी और पार्टी की योजना, पार्टी के और सरकार की गतिविधियों, विशेषकर अंत्योदय जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस को लेकर के बढ़ रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा है कि सबका साथ सबका विकास, और इसलिए सभी के बारे में देश भर में पार्टी सोचती है और कई ऊंचाइयों तक पहुंचने का भी प्रयास पार्टी ने किया है सरकार ने। मीडिया से चर्चा करते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि भाजपा स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी के संस्थापकों और मार्गदर्शकों का स्मरण किया जा रहा है। स्थापना जब हुआ 6 अप्रैल 1980 को, और संस्थापक अध्यक्ष भी कह सकते हैं, और जो संस्थापक थे पार्टी के स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनको नमन करते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, राजमाता साहब, सबको नमन करते हैं जिनके बदौलत, जिनके परिश्रम और जो करोड़ों करोड़ कार्यकर्ता आज देश में है, आज पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कार्यकर्ताओं की बदौलत भारतीय जनता पार्टी हो गई है, सबको नमन करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। भिलाई में आयोजित एक अन्य कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए जाने वाले संदेश को सुनने की व्यवस्था की गई थी। बाद में अपने संबोधन में श्री पटेल ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर इस वर्ष भाजपा के स्थापना दिवस का विशेष महत्व है। उन्होंने कहा कि भाजपा 7 दशकों से देश के करोड़ों गरीबों, किसानों, वंचितों और महिलाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति का साधन बनी है। का वैलिश्मा स्थापना दिवस महत्वपूर्ण है, जो आज प्रधानमंत्री जी ने कहा है। पहला कारण यह है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव है, ये आज़ादी के 75वें वर्ष का भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। दूसरी बात उन्होंने कही है कि जो ग्लोबल क्षेत्र है वो बदल रहा है, उसमें हमारी भूमिका अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है, इसलिए ये स्थापना दिवस महत्वपूर्ण है। इसी तरह राजनांदगांव जिले के छुई खदान मंडल में भाजपा स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक शामिल हुए। केंद्रीय जल शक्ति और खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा है कि देश में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में आ रही चुनौतियों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। देश के खाद्य पदार्थों को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर मार्केट उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय प्रवास के दौरान भिलाई में दूरदर्शन समाचार से चर्चा करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि 24 लाख खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े हुए समूह पूरे देश में कार्य कर रहे हैं। इस बजट में घोषणा की गई है कि 2 लाख समूह को 10,000 करोड़ रुपए देकर उन्हें अपग्रेड किया जाएगा। उन्होंने बताया कि खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय में जो समूह काम करता है उसे बैंक से लोन लेने पर 35% की सब्सिडी मिलती है। श्री पटेल ने कहा कि राज्य सरकारों को ये जानकारी समूह को और उनके कार्यकर्ताओं को देनी चाहिए। इस लाख खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े हुए समूह देश में काम करते हैं। इस बजट में घोषणा की है कि 2 लाख समूहों को हम 10,000 करोड़ देंगे, उनको अपग्रेड करेंगे। लेकिन जिस बात आप कर रहे हैं बनोपज की, उसके लिए नाफेड ऑलरेडी काम कर रहा है, लेकिन वो समूह इस योजना का लाभ भी ले सकते हैं। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय में जो समूह काम करता है उसको अगर वो बैंक से लोन लेता है तो 35% की सब्सिडी भी मिलती है। आमतौर पर ये जानकारी कम है, राज्य सरकारों को ये जानकारी तेजी के साथ आम समूह के और उनके कार्यकर्ताओं को देनी चाहिए। वहीं एक अन्य सवाल के जवाब में केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि जल शक्ति अभियान और जल जीवन मिशन के तहत पानी के संरक्षण पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और ग्राम पंचायतों को सामूहिक रूप से जल प्रबंधन के क्षेत्र में बेहतर ढंग से काम हो यह सुनिश्चित करना होगा। शक्ति अभियान और जल जीवन मिशन दोनों पैरेलल चलने वाले काम है, दोनों 2019 से शुरू हुए हैं। जल जीवन मिशन में हर घर तक पानी पहुंचे और समय सीमा के भीतर पहुंचे, और जो राज्यों ने हमको सहमति दी है उसके आधार पर हमने उसका कैलेंडर बनाया, और उसी का परिणाम है कि गोवा, तेलंगाना और हरियाणा ने अपना टारगेट अचीव कर लिया। जल शक्ति अभियान का मतलब है जितना अब पानी तो आपने घर में दे दिया, अब वो पानी बहेगा, ग्रे वाटर होकर नीचे जाएगा, किसी जल स्रोत की तरफ जाएगा, उसका प्रबंधन हम कर पाएंगे क्या, उसका सदुपयोग कर पाएंगे कि वो ढाल के मुताबिक तो जल स्रोत की तरफ ही जाएगा। तो मुझे लगता है कि चाहे वो ग्राम पंचायत हो चाहे राज्य सरकारें हो, उन्हें तय करना होगा। दूसरा, भूजल की स्थिति ये है कि 90 के दशक में जो भूजल हमारे पास था
दुनिया का पैमाना कहता है कि भारत ने सबसे ज़्यादा उसका दोहन किया है। हम जितना निकालें उतना डालने से काम नहीं चलेगा, उससे ज़्यादा डालने के बारे में सोचें, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है। श्री पटेल खैरागढ़ उपचुनाव में पार्टी पक्ष में प्रचार करने के लिए राज्य के दौरे पर पहुंचे थे। उन्होंने अमलीडीह में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया और भाजपा प्रत्याशी कोमल सिंह जंघेल को जिताने की अपील की। आम सभा में राज्य के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और पूर्व स्पीकर प्रेम प्रकाश पांडे सहित अन्य स्थानीय नेता शामिल थे। प्रदेश में राज्य सिविल सेवा और व्यावसायिक परीक्षा मंडल की परीक्षाओं के बाद अब विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में भी परीक्षार्थियों से शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है। हाल ही में एनएसयूआई के सदस्यों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड परीक्षा शुल्क माफ करने का आग्रह किया था, जिस पर मुख्यमंत्री ने अपनी सहमति दे दी थी। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि इससे परीक्षार्थियों को आर्थिक रूप से मदद मिलेगी। पीएससी में फीस माफ किया गया, उसी प्रकार से कनिष्ठ चयन बोर्ड जो बस्तर और सरगुजा में जो लोग परीक्षा देंगे उन छात्र छात्राओं के भी भर्ती में परीक्षा शुल्क माफ करने का आग्रह एनएसयूआई के द्वारा किया गया है। मैं उसकी घोषणा करता हूँ कि उन बच्चों को जो हमारे कनिष्ठ चयन बोर्ड में जो परीक्षा दिलाएंगे उनको भी फीस देना ही पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि बस्तर और सरगुजा में विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। शक्ति की आराधना का पर्व चैत्र नवरात्र आस्था और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर राज्य की सभी शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में धार्मिक आयोजनों का सिलसिला जारी है। कोरोना महामारी की वजह से बीते दो वर्षों से बंद धार्मिक स्थलों पर जाने में इस बार किसी तरह की पाबंदी नहीं होने के कारण श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। राज्य में माता के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है महासमुंद जिले के बाग बाहरा में स्थित घुंचापाली की मां चंडिका मंदिर। जंगलों और पहाड़ों के बीच स्थित माता का यह मंदिर भक्तों के लिए आस्था और आकर्षण का केंद्र है। इस मंदिर के आसपास मनोरम प्राकृतिक दृश्य हैं। इस मंदिर में प्राकृतिक रूप से बनी पत्थर की 23 फीट ऊंची मां चंडी देवी की अद्भुत मूर्ति है, जो नैसर्गिक रूप से मानव आकृति लिए हुए हैं। नवरात्रि के दिनों में हर दिन श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं ने कहा है कि पहाड़ों के बीच बना माता का यह मंदिर मन को मोहने वाला है। वाकई में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि चारों तरफ का नजारा भी बहुत अच्छा है, पहाड़ों पे बसी है माता रानी जी, बहुत ही सुंदर लगा, मन को बहुत अच्छा लगा। बताया जाता है कि मंदिर में हर दिन अलग अलग समय में करीब 7 भालू आते हैं। इतना ही नहीं, इन भालुओं को कई श्रद्धालु अपने हाथों से प्रसाद भी खिलाते हैं। हालांकि मंदिर प्रबंधन की ओर से लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। डीडी फ्री डिश की लगातार बढ़ रही लोकप्रियता पर देश के जाने माने लोगों ने खुशी जाहिर की है। इंटरटेन टीवी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मनीष सिंघल और रणवीर सिंह ने डीडी न्यूज से डीडी फ्री डिश के संबंध में बातचीत की। उन्होंने कहा कि डीडी फ्री डिश की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है और दूरदर्शन की इस पहल से छोटे छोटे चैनल भी अब डीडी फ्री डिश पर दिखेंगे। एक सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जो बहुत लो कॉस्ट में ऑडियंस तक अच्छी एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है। और सबसे खूबसूरत बात डीडी फ्री डिश की ये है कि जो छोटे चैनल्स हैं, जो कम बजट में ज़्यादा फंडिंग के बगैर जो छोटे चैनल्स ऑडियंस तक नई एंटरटेनमेंट पहुंचाना चाहते हैं, उनके लिए डीडी फ्री डिश सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। उसकी बदौलत हम एक इतनी बड़ी ऑडियंस तक पहुँच पाते हैं। हमारे चैनल एबजी कूल, एबजी मूवीज़ पर जो भी हम लोग शोज चलाते हैं वो ऑडियंस तक डीडी फ्री डिश की बदौलत ही पहुंच पाते हैं, और डीडी फ्री डिश की बदौलत ही हमारे लिए ये बिजनेस कर पाना पॉसिबल है। बहुत बहुत शुभकामनाएं डीडी फ्री डिश को। मेरे हिसाब से क्वालिटी ऑफ कंटेंट, गुड कंटेंट अवेलेबल है डीडी फ्री डिश के ऊपर, और मुझे लगता है कि फ्री मार्केट ग्रो होगा। मार्केट तो ऑल मतलब ओवरऑल पे मार्केट इज ग्रोइंग, बट फ्री मार्केट ज़्यादा ग्रो होगा कंपेयर टू पे मार्केट, और बहुत कॉम्पैक्ट और गुड कंटेंट अवेलेबल है डीडी फ्री डिश के ऊपर, तो डेफिनेटली उसका
फायदा तो मिल ही रहा है डीडी फ्री डिश को, उसमें जो भी अवेलेबल ब्रॉडकास्टर्स हैं। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।